गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स जैसे कि आप सब जानते हो इस समय हम कर रहे हैं जेंडर रिलीजियन एंड कास्ट तो ये आपका लेसन नंबर फोर है पोलिटिकल साइंस का कल हमने स्टार्ट किया था जिसमें आपने पढ़ा था जेंडर के बारे में तो जेंडर एंड पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिक्स में जेंडर की क्या रोल है डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे रिलीजियन कम्युनलिज्म एंड कास्ट सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन तो सबसे पहले वी शुड नो डिफरेंट काइट ऑफ सोशल डिविजन्स जैसे जेंडर भी एक डिविज़न है सोशल डिविज़न है कास्ट भी है और रिलीजियन भी है जो डिविज़न बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंस है वो हो गया रिलीजियन ठीक है तो जेंडर जो था वो एक पॉजिटिव डिवीज़न था रिलीजियन जो है वो नेगेटिव कहा जाता है और जो तीसरा है वो बोथ आ जाता है अब जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में हिंदुज़म है जैनिज़म है बुद्धिज़्म है सिखिज़म है इस्लाम है क्रिश्चियनिटी है यानी कि पूरे इंडिया में बहुत सारे रिलीजन हैं तो रिलीजन होने की वजह से रिलीजियस डिफरेंसेस भी होते हैं तो बात आती है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एंड पॉलिटिक्स तो रिलीजियस सोशल डिविजन इज़ नॉट एज यूनिवर्सल एज जेंडर बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज़ वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टूडे यानी कि रिलीजियस सोशल डिविजन जेंडर की जितना नहीं है कि हर जगह एक औरत एक मर्द लेकिन अलग अलग रिलीजन्स तो सारी जगह है चाहे वो पूरी दुनिया में हम देखें मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव इन देयर पॉपुलेशन फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स जिस भी कंट्री में अगर आप बात करो तो हर एक कंट्री में क्या है कि डिफ़रेंट डिफरेंट रिलीजन्स के फॉलोअर्स हैं गांधी जी की अगर बात करें तो जैसे गांधी जी ने भी कहा है कि महात्मा गांधी सेट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स गांधी जी ने कहा है कि रिलीजन हमेशा पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा ही हुआ था होता है फ़र्क ये है कि उनके कहने का मतलब ये था कि जितने भी हैं उन सब की जो अच्छी बातें हैं जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो पॉलिटिक्स में आनी चाहिए इवन ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन आल्सो सेट दैट रिलीजियस माइनार्टीज शुड भी प्रोटेक्ट बाई सम स्पेशल लॉज मतलब कि किसी देश में जहाँ दूसरी एक पॉपुल एक जो रिलीजन है वो बहुत ज्यादा है और जो कम वाले रिलीजनस भी वहाँ रहते हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन है तो उनके लिए स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होनी चाहिए इवन वमेन हैव आल्सो डिमांडिड इक्वल फैमिली लॉज फॉर मैन एंड वुमेन ये भी एक पॉलिटिकली या रिलीजियसली रिलेटेड इशू है जब वुमेन इक्वेलिटी की डिमांड करती हैं उसमें रिलीजियस इक्वेलिटी की बात भी आ जाती है हैंस इट इज़ वेरी टफ टू सेपरेट रिलीजियन फ्रॉम पॉलिटिक्स तो अगर हम ये सारे जितने भी इसके पॉइंट्स हैं अगर उनको हम देखें तो हम ये बात समझते हैं कि कभी भी हम रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते अब बात आती है कि रिलीजन जब है तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट है कम्युनलिज्म अब कम्युनलिज्म बेसिकली है क्या वेन वन रिलीजन इज पिटेड अगेंस्ट एन अधर बाय द पोलिटिकल क्लास दिस इज़ कॉल्ड कम्युनलिज्म मतलब एक धर्म वाले जब दूसरे धर्म को नीचा लगाने की कोशिश करते हैं ये हो गया रिलीजन कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स यानी कि हम बात करें तो जो पॉलिटिक्स है उसमें रिलीजियस कम्युनलिज्म कैसे आता है आर वट इज़ मेट बाय कम्युनल पॉलिटिक्स द यूज ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स वेयर वन रिलीजन इज शोन एज सुपीरियर टू अदर रिलीजन इज कॉल्ड कम्युनल पॉलिटिक्स कम्युनल पॉलिटिक्स होती क्या है जब एक रिलीजन अपने आप को सुपीरियर कहता है दूसरे को इनफीरियर समझता है हेयर वन रिलीजन ग्रुप इज़ अगेंस्ट द अदर रिलीजियस ग्रुप एंड डिमांड्स ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप आर अगेंस्ट द डिमांड्स ऑफ अदर रिलीजियस ग्रुप्स यानी कि एक ग्रुप दूसरे के साथ नफरत करता है और एक की जो डिमांड होती है वह दूसरा ग्रुप जो है उसके अगेंस्ट जाता है कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द ओनली बेसिस ऑफ फॉर्मिंग ए कम्युनिटी मतलब कम्युनल पॉलिटिक्स में रिलीजन को सबसे इंपॉर्टेंट समझा जाता है कि पॉलिटिक्स जो है कम्युनिटी होनी चाहिए रिलीजियस के बेस पे होनी चाहिए इट बिलीव्स दैट फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी देयर इंटरेस्ट आइडियाज़ एंड ओपिनियंस आर द सेम मतलब कि एक ही रिलीजन के लोग जो हैं उनके आइडियाज सेम होते हैं इसलिए उनकी जब हुकूमत हो तो सब उन्हीं के आइडियाज़ फॉलो किए जाएँ इट आल्सो हेल्प्स दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट बी ए पार्ट ऑफ द सेम कम्युनिटी देयर आइडियाज एंड डिमांड आर बाउंड टू बी डिफरेंट मतलब एक कम्युनिटी में एक ही रिलीजन होना चाहिए उसमें मिक्सअप नहीं होना चाहिए रिलीजन का इन एन एक्सट्रीम केस ऑफ कम्युनलिज्मॉलोज दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन आर नॉट इक्वल सिटीजन एंड कैन नॉट लिव टूगैदर एज वन नेशन मतलब जहाँ ज़्यादा सारे एक ही रिलीजन के लोग हैं वो अपने आप को जब सुपीरियर समझने लगे तो इंडिया में जैसे बहुत सारी सोशल कास्ट्स हैं इसी के साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट जो इन्ग्रीडियंट है वो है कास्ट तो शेड्यूल कास्ट हैं शेड्यूल ट्राइब्स हैं इंडियन कम्युनिटीज़ दैट आर एकॉर्डिड स्पेशल स्टेटस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ ऐसी सेकुलर है सेकुलर इसी वजह से है कि बहुत सारे रिलीजियन है तो कोई अपने आप को सुपीरियर ना समझे द शड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज़ वर कंसिडर्ड आउट कास्ट इन दिंदू सोशल ऑर्डर अब जब कास्ट की बात करें हम पॉलिटिक्स में तो शेड्यूल्ड कास्ट को बिल्कुल नीचा समझा जाता था अलग समझा जाता था देव बीन डिनाइड द एक्सेस टू वेरियस रिसोर्स एंड वर गिवन ओनली लो स्टेटस वर्क छोटे काम करने के लिए दिए जाते थे वो मेन कैटेगरी में नहीं आ सकते थे द शड्यूल्ड ट्राइब्स इंक्लूडेड दोज कम्युनिटीज हु सेल्फ सफिशेंट एंड लिव इन हिल्स एंड फॉरेस्ट मतलब वो रहते ही अकेले वाले जगहों में पे थे जंगलों में रहते थे फॉरेस्ट में रहते थे द शेड्यूल ट्राइब्स जो ट्राइब एरिया में रहते थे वो थे दे वर नॉट अलाउड टू लिव द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड आल्सो नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क मतलब उनके लिए जो स्पेशल सफाई करनी है तो सफाई का ही काम है वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकते थे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज वर्क में नहीं दी जाती थी रीजन्स एज टू वाई कास्ट लोन कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्शन रिजल्ट इन इंडिया बात यह आती है कि इलेक्शन जब होती है तो उसके जो रिज़ल्ट आते हैं उसमें खाली कास्ट का रोल इम्पोर्टेंट नहीं है अंडर द कास्ट सिस्टम वर्क इज डिवाइडेड एमंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट आपने देखा कुम्हार है तो उसको यही बनाने हैं कारपेंटर <clears throat> है तो कारपेंटर का काम करना है मतलब काम डिवाइड है उनको ऑक्युपेश आर बेस्ड ऑन देयर जनरेशन एवरी कास्ट ग्रुप हैज़ एक्सक्लूसिव ऑक्युपेशन हर कास्ट का अपना अपना काम है ये पुराने समय से कंटेम्प्रेरी इंडिया की अगर हम बात करें तो इन पॉलिटिक्स स्पेशल अटेंशन इज गिवन टू द कास्ट ग्रुप्स टू गेन देयर वोट्स इन द इलेक्शंस लोग जहाँ पे अगर शेड्यूल कास्ट रहते हैं तो वहाँ से शेड्यूल कास्ट को खड़ा करते हैं ताकि वोट्स मिल सके मायावती एग्जाम्पल आपको दिख रही है सामने कैंडिडेट्स फ्रॉम मेजर कास्ट ग्रुप्स आर चूजन टू इंश्योर द सपोर्ट ऑफ देयर कास्ट ग्रुप्स मतलब अगर आपकी कास्ट के इंसान को खड़ा किया जाएगा जहाँ वो उसी कास्ट के लोग ज़्यादा रहते तो वो सारे उसी को ही वोट देंगे प्रामिसज एंड अपील्स

कास्ट सिस्टम मतलब पॉलिटिकल सिस्टम पूरा कास्ट सिस्टम पे डिपेंड नहीं रहता है कई ऐसी जगह भी है जहाँ पे पांच छः कम्युनिटीज़ पांच छः कास्ट्स रहती हैं तो वहाँ से तो फिर किसी एक को चुनना कास्ट के बेस पे मुश्किल हो जाता है ना नो स्टेट लेजिस्लेचर इन द कंट्री हैज़ ए मेजॉरिटी ऑफ एनी कास्ट ग्रुप मतलब ऐसा कहीं भी नहीं है कि एक ही कास्ट की मेजार्टी हो तो फिर वो चुन के आ जाए दूसरे वाले भी तो वोट करते हैं ना तो एवरी कास्ट ग्रुप हैज़ इट्स प्रेजेंस इन द पार्लियामेंट इसी वजह से पार्लियामेंट में हर कास्ट की रिप्रेजेंटेशन आती है इट मीन्स दैट नो कास्ट ग्रुप कैन बी इग्नोर्ड एंड एवरी सिटीजन्स वोट इज़ नेसेसरी टू विन द इलेक्शन यानी कि सिंगल कास्ट से कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकता इलेक्शन जीतने के लिए अलग अलग कास्ट के लोगों की वोट मिलना बहुत ज़रूरी है इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट पीपल ऑफ द सेम कास्ट वोट फॉर द सेम पोलिटिकल पार्टी ज़रूरी भी नहीं है कि जिस पार्टी को वो बिलोंग करते हैं वो उसी को वोट करें वो किसी दूसरे अच्छे कैंडिडेट को भी वोट कर सकते हैं अगर पढ़े लिखे हैं तो दे हैव डिफरेंट डिमांड्स एंड वोट्स ऑफ देयर चॉइस इट मीनस दैट नो पोलिटिकल पार्टी रिप्रजेंट्स ओनली वन कास्ट नतीजा ये निकलता है कि कोई भी पोलिटिकल पार्टी इंडिया की जो है वो एक कास्ट को रिप्रजेंट नहीं करती है इट डजेंट हैपन दैट देयर आर कैंडिडेट्स फ्राम एवरी कास्ट इट माइट हैपन दैट आल द कैंडिडेट्स आर फ्रॉम वन कास्ट ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे कैंडिडेट्स एक कास्ट से हों या ऐसे भी हो सकता है कि डिफरेंट कास्ट से अलग अलग कैंडिडेट्स हों इट माइट आल्सो हैपन दैट देयर आर मोर देन वन कैंडिडेट फ्राम वन किसी no किसी एक एक से एक से 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 ज़्यादा भी भी होते हैं और कोई भी नहीं हो। अब बात आती है कि लोग और क्या क्या चीजें देखते हैं जब वोट करते हैं इलेक्शन में पोलिटिकल पार्टीज ट्राई टू यूज द कास्ट टू गेन वोट्स इन द इलेक्शन पोलिटिकल पार्टीज तो करती है ना ऐसा दे अपील टू स्पेशल कास्ट ग्रूप्स टू इंश्योर देयर वोट्स इन द इलेक्शंस वो अपील करती हैं अपनी कास्ट के लोगों को खड़ा करती हैं वहाँ से जहाँ जिस कास्ट ज्यादा होती है बट इट डजन नेसेसरी दैट पीपल फ्राम द सेम कास्ट वोट फॉर द सेम पोलिटिकल पार्टी लेकिन उस कास्ट के लोग फॉर एग्जांपल मायावती जिस कास्ट की है तो जरूरी नहीं है कि सारे उसका उस उनकी कास्ट के लोग उन्हीं को वोट करें पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट रिप्रेजेंट वन कास्ट देर आर अदर फैक्टर्स आल्सो दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स ये दो नाम आपने याद रखने हैं हैंड का निशान किसका है और कमल का किसका है बीजेपी और कांग्रेस वोट्स आर जनरली गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस परफॉर्मेंस ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज लोग ज़्यादा कास्ट को अभी इस समय में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं लोग ये सोचते हैं कि कौन सी पार्टी नहीं अच्छा काम किया है जैसे मोदी जी ने अच्छा काम किया तो उनको दोबारा से चुन लिया गया वोटर्स हैव अटैचमेंट टू पर्टिकुलर पार्टी ड्यू टू इट्स पॉलिसीज कई लोग अपनी किसी पार्टी की पॉलिसीज को इतना पसंद करते हैं कि वो उसी को वोट करते हैं आल्सो पीपल हैव वेरी इंटरेस्ट एंड वोट फॉर द पार्टी दैट प्रोमिसज टू फुलफिल दैम इन ए बेटर वे एक और चीज़ है जो लोग वोट करते हैं कि जब जो पार्टी उनकी बातों को उनकी जो परेशानियाँ उनको अच्छे से समझेगी और उनका फैसला करेगी इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द वोटर्स मीन्स जो अमीर लोग हैं वो तो अपनी चॉइस से वोट करते हैं गरीब जो है वो पैसा जो पार्टी देती है उसको वोट करते हैं रिच एंड पुअर पीपल हैव डिफरेंट डिमांड्स एंड सो दे वोट फॉर डिफरेंट कैंडिडेट इन द इलेक्शन वो अपनी डिमांड्स के हिसाब से भी इलेक्शन में वोट करते हैं जो उनकी डिमांड को सुनेगा सो कास्ट इज नॉट द ओनली बेसिस ऑफ वोट्स आपने याद रखना है कि कास्ट अकेला वोट के लिए बेसिस नहीं है अदर फैक्टर्स डू प्ले एन इक्वली इंपॉर्टेंट रोल इन दिस्टम बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं जो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन कास्ट पॉलिटिक्स कास्ट का आपस में क्या रिलेशन है कास्टिज्म बिलीव्स दैट एवरी कास्ट इज सेपरेट सोशल कम्युनिटी। कास्टिज्म में जो बिलीव करते हैं वो कहते हैं कि हर कास्ट की अपनी एक अलग से पहचान होती है पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज एंड आल्सो हैव डिफरेंट इंटरेस्ट्स यानी कि अलग जगह के रहने वाले लोगों की अलग तरह की कास्ट हो सकती है तो उनके इंटरेस्ट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं देर इज़ पॉलिटिक्स इन कास्ट आल्सो हम देख रहे हैं अभी भी देखते हैं टीवी पे भी आप देखते हो कि पॉलिटिक्स होती है कास्ट सिस्टम पर भी पीपल फ्रॉम वेरियस कास्ट यूज वेरियस मीन्स टू इंक्रीज देयर डोमिनेंस इन देयर पर्टिकुलर रीजन वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं कि हम ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएं अपने एरिया में एवरी कास्ट ग्रुप ट्राइज टू इंक्रीज इट्स बाय इंक्लूडिंग वेरियस सब कास्ट एंड नेबरिंग कास्ट जो उनकी कास्ट के साथ मिलती जुलती दूसरी कास्ट होती है ना वो कोशिश करते हैं अपने ग्रुप में उस कास्ट को भी शामिल करने का डिफरेंट कास्ट ज्वाइन टूगेदर एंड फॉर्म ए कोलिशन दे देन डिस्कस देअर डिमांड्स ज्वाइंटली बहुत सारी कास्ट आपस में मिल भी जाती हैं जैसे मंडल कमीशन जब बनाया गया था तो ओ बी सी भी एस सी बी वो आपस में बैकवर्ड क्लासेज आपस में मिल गई थी फारवर्ड एंड बैकवर्ड क्लासेज जो थी न्यू कास्ट ग्रुप हैज़ फॉर्म सच एज फारवर्ड एंड बैकवर्ड कास्ट ग्रुप्स इन द पोलिटिकल्स फेयर ये नहीं बनी हैं नेगेटिव रिजल्ट ऑफ कास्ट एंड पॉलिटिक्स अभी तक हमने पढ़ा कास्ट का क्या, क्या रोल था अब हम पढ़ते हैं कि नेगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं कास्ट के Political parties try to use the caste to gain votes in the elections. This is a negative effect that the caste, ka the to vote in political parties. They promise that the interests of the different caste groups would be taken care of and their demands would be. फुलफ़िल्ड दूसरी बात वो लोगों को इस बात से वर्ग लाती हैं कि उनकी बातों का ध्यान रखा जाएगा उनकी डिमांड्स पूरी की जाएंगी वो जो चाहते हैं उनका केयर किया जाएगा ये बातें बोलकर वो अपनी कास्ट वालों को ल्योर करते हैं अपनी तरफ खींचने के लिए दीज प्रामिस हेल्प द पोलिटिकल पार्टीज इन गेनिंग देयर सपोर्ट ये प्रॉमिस क्यों करते हैं ये प्रामिस इसलिए करते हैं कि इसके ज़रिए लोग इनको वोट करेंगे However, focusing only on the caste can give negative results also. लेकिन खाली caste पे ही ध्यान देना, अपनी caste के बारे में ही बात करने से उसके negative effects भी आते हैं। It might lead to division political parties on the basis of caste, where one political party represents one caste exclusively. लेकिन ऐसा होता है कि अगर आप किसी particular caste को लेके चलते हो, तो उससे वो party जो है, वो caste based party हो जाती है। This can also divert the attention from more important issues such as एजुकेशन एंड पावर्टी अगर आप कास्ट को ज़्यादा ध्यान देने लग जाओ तो देश की जो और जैसे गरीबी जैसी या पावर्टी या एजुकेशन की समस्याएं हैं वो साइड लाइन हो जाती हैं इन इट्स एक्सट्रीम केस इट कैन लीड टू कन्फ्लिक्स एंड टेंशन अमंग द वेरियस कास्ट ग्रुप्स और जब सबको बराबर एजुकेशन नहीं मिलेगी पावर्टी रिमूव नहीं होगी तो उनके आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी क्लैश बढ़ जाएंगे तो अब लेकिन अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन है इसमें इंडिया में कास्ट सिस्टम डिक्लाइन हो रहा है ख़त्म हो रहा है अंडर द कास्ट सिस्टम वर्क इज़ डिवाइडेड अमंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट कभी होता था ऐसा लेकिन अभी क्या है उस समय में ऑक्यूपेश जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते थे लेकिन अभी इंडिया की जो लेटेस्ट कंटेम्प्री अप्रोच की बात नहीं कर रही हूँ मैं मैं बात कर रही हूँ इस समय की सिचुएशन की तो इस समय में जो कास्ट सिस्टम है धीरे धीरे वो हमारी पॉलिटिक्स से इंडिया से खत्म हो रहा है दे आर अलाउड अब क्या हो रहा है दे आर अलाउड टू मैरी उस समय में था ओनली विद इन देयर कम्युनिटी एंड कैन नॉट इवन ईट विद द मेंबर्स ऑफ अदर कास्ट पहले था लेकिन अभी क्या हो रहा है अभी दे आर अलाउड अब बहुत सारी इंटर कास्ट मैरिज हो रही हैं लोग दूसरी कास्ट में भी मैरिजिज कर रहे हैं द कास्ट सिस्टम इज डिक्लाइनिंग इन अवर कंट्री इस समय में अभी कास्ट सिस्टम थोड़ा कम हो रहा है मैनी पोलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स सच एज़ महात्मा गांधी ज्योतिबा फुल्ले वर्कड टू इस्टेब्लिश सिस्टम इन इंडिया इन्होंने बहुत कोशिश की कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने की उन्होंने जैसे अनटचेबल्स नाम दे दिया दे वर्क टू ए सोसाइटी वेयर एवरी पर्सन इज़ कंसिडर्ड इक्वल इन ऑफ़ हिस्स कास्ट इन्होंने बहुत काम किया गांधी छुआछूत को ख़त्म करने के लिए कि हर तरह से ये छुआछूत खत्म होनी चाहिए सब कास्ट्स बराबर होनी चाहिए ड्यू टू सच मेजर्स एंड ड्यू टू इंक्रीज इन एजुकेशन एंड अवेयरनेस द कास्ट सिस्टम इज ऑन डिक्लाइन इन इंडिया इन सारी वजहों की वजह से ज्योतिबा फुल्ले हो गए विवेकानंद हो गए राम मोहन राय हो गए महात्मा गांधी हो इनकी वजह से और लिटरेसी बढ़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई अर्बनाइजेशन हुई तो जो ओल्ड आइडियाज थे कास्ट सिस्टम के अब वो धीरे धीरे क्रैक डाउन हो गए हैं अब धीरे धीरे खत्म हो गए हैं द केपेबिलिटी ऑफ ए पर्सन इज मोर इंपॉर्टेंट नाउ देन हिज कास्ट अब कास्ट को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाता अब किसको इंपॉर्टेंट समझा जाता है कि कौन कितना इंटेलिजेंट है और कौन कितना कैपेबल है द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू पीपल डू नाट डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कोई भी अपनी एग्जाम दे के क्लियर करके अपना एग्ज़ाम बड़े से बड़ा ऑफिसर बन सकता है कोई रोल नहीं है उसमें कास्ट का कि कास्ट इसकी नीची है तो ये नहीं करेगा या ऊँची कास्ट वाला करेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स राइट टू फॉलो एनी रिलीजियन विद रिस्पेक्ट टू वाले एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये है जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये क्लियर किया हुआ है कि कोई भी अपना एक पर्टिकुलर रिलीजन इंडिया में है ही नहीं है कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड अनटचेबिलिटी इंडिया में इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है जैसे पाकिस्तान का इस्लाम है जैसे बुद्धिस्ट है चाइना का ऐसा इंडिया में कोई नहीं है कास्ट सिस्टम डिक्लाइन हो चुका है अगर हम ओवरव्यू देखें तो अभी क्या है जो कास्ट रिव्यू ओवरव्यू में हम देखते हैं कि कास्ट सिस्टम में क्या था कि दे ईट फूड विद पीपल ऑफ सेम कास्ट एंड मैरी विद इन द सेम कास्ट ग्रुप ये कंटेंपरेरी इंडिया की बात है विद अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडर्न इंडिया हैज़ फेस्ड मैनी चेंजेस अभी अर्बनाइजेशन आने से इकनॉमिक डेवलपमेंट आने से क्या हो गया आज की इंडिया में बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं अब वो कास्ट मतलब ये नहीं है कि वो उनको अलग करके नहीं रखना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अब कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये मना कर दिया गया है कि किसी तरह की कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी येट कास्ट हैज़ नॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम कंटेम्प्री इंडिया अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है लेकिन बहुत फ़र्क पड़ गया है एट द सेम टाइम ऑफ इलेक्शंस पोलिटिकल पार्टीज चूज देयर कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस कास्ट ग्रुप्स टू गेन सपोर्ट अलग अलग तरह की कास्ट ग्रुप्स से पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले अपने मेंबर्स को चुनते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कास्ट के लोगों से वो वोट ले सकें गे, सपोर्ट गेन कर सकें है ना तो पॉलिटिक्स में कास्ट का ये रूल है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द वन पर्सन वन वोट कंपेल्ड पॉलिटिकल लीडर्स टू तो गियर अप टू तो विन सपोर्ट ऑफ ऑल अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है कि पर्टिकुलर कास्ट का नाम लेकर हम वोट ले लेंगे अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आ चुका है जिसमें 18 साल से ऊपर कोई भी वोट ले दे सकता है और जो नई जनरेशन है वो अपने लीडर्स को कास्ट को साइड पे रख कर चुनती है नो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ वन विद द सपोर्ट ऑफ कास्ट ग्रुप्स ओनली कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं है जो खाली कास्ट के बेस पर जीत वहाँ से कोई